कि बहुत ही विस्तारित और अच्छा उत्तर उन्होंने दिया है, जिससे मेरे मूल प्रश्न का समाधान हो गया है। लेकिन फिर भी मेरी जानकारी में और इजाफा हो, इसलिए मेरे दो प्रश्न होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हर देश का अपना एक संचार तंत्र होता है और होना भी चाहिए, लेकिन देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ऐसा वातावरण बना रहे, इसके लिए निजी क्षेत्र का नेटवर्क होना भी आवश्यक है, ताकि दिन प्रतिदिन सुधार होते रहे। और इसी ही स्पर्धा से निपटने के लिए सरकार ने BSNL और MTNL के सम्मिलन की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया है, वो स्वागत योग्य है। इसके कारण जहां प्रबंधन के खर्च में कटौती होगी, वहीं तकनीक का स्तर भी सुधरेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सम्मिलन के पश्चात कर्मचारियों में गुणवत्ता सुधार और परफॉर्मेंस बढ़ाने के साथ साथ विशेष रूप से कॉल ड्रॉप को रोकने के लिए मोबाइल नेटवर्क के रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन का कोई ब्लूप्रिंट सरकार तैयार करेगी क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, आपकी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार की सोच माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्पष्ट है कि हम निजी क्षेत्र का स्वागत करते हैं, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक PSU का रहना बहुत जरूरी है। और BSNL की मैं तारीफ इसलिए करूंगा, अगर कश्मीर में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है, नेपाल में भूकंप आता है या उड़ीसा में तूफान आता है, तो ऐसे में फ्री सेवा BSNL ही करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो डिफेंस का पूरा नेटवर्क है, वो भी हमारा BSNL मेंटेन करना है। इसलिए हमारी सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में साफ सोच है कि BSNL MTNL स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, इसलिए हमें इन्हें मजबूत करना है, हम कर रहे हैं। लेकिन सर, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि BSNL में सर 1,65,000 इंप्लॉय हैं, MTNL में 21,000 है सर, और इंप्लॉय कॉस्ट हमको खर्चा करना पड़ता है 75% ऑफ द रेवेन्यू, और MTNL को 87% रेवेन्यू, जबकि एयरटेल खर्चा करते हैं 2.95, वोडाफोन 5.59, जियो 4.27, तो इसमें कैसे स्वस्थ कंपटीशन होगा? इसलिए हमने रिवाइवल में एक बहुत ही अच्छा लोकप्रिय VRS पैकेज दिया सर। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि BSNL और MTNL के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से लगभग 92,000 VRS ऑप्ट किया है कल अंतिम तारीख की सर। लेकिन सर, उनको हम बहुत ही अच्छा VRS दे रहे हैं, और इसी में माननीय राकेश सिंह ने प्रश्न किया है, हम BSNL MTNL को मर्ज भी कर रहे हैं। मर्जर की वैधानिक औपचारिकताओं में समय लगेगा, इसलिए हम उसको पहले उनको उनके एक सब्सिडियरी बना रहे हैं, और ये गुणवत्ता के सुधार के दृष्टिकोण में यही है। जैसा मैंने पहले कहा था सदन में सर, मेरा एक सरकार का कमिटमेंट है कि हम इन्हें प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल बनाएंगे सर। याद होगा 16 में भी हमने इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लाया था, तो हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी। माननीय एक और प्रश्न आपने धन्यवाद पहले ही माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से सरकार को बधाई देना चाहूंगा, जिस जर्जर अवस्था में BSNL और MTNL सरकार को मिले थे, उसके बावजूद भी उसको लगातार प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना और इस स्थिति में लाकर खड़ा करना कि मेरे जैसा व्यक्ति आज भी MTNL और BSNL पर ही विश्वास रखे, ये देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से 2014 तक जब देश में संचार नेटवर्क के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन रहा था और निजी क्षेत्र की कंपनियां तकनीक के मामले में लगातार अपडेट हो रही थीं, तब BSNL और MTNL नई तकनीक और नई प्रबंधन व्यवस्था ना मिलने के कारण लगातार पिछड़ रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसका परिणाम अभी भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आज सरकार को कठिनाई हो रही है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि अब वॉइस का स्थान डेटा ने ले लिया है, तो डेटा का उपयोग बढ़ाने के लिए या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फाइबर टू द होम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है, कृपया स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात तो अगर सरकार का ये कमिटमेंट है और सदन के सम्मानित सदस्यों की यह भावना है,
तो अगर इस हाउस की प्रक्रिया को बीएसएनएल एमटेल के कर्मचारी देख रहे होंगे तो मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि अच्छा काम करके इस सदन की अपेक्षाओं के अनुरूप वो उभरे। जहां तक सवाल है टेक्नोलॉजी का, सर ये मैं बहुत ही पीड़ा से कहूंगा कि बीएसएनएल एमटीएनएल को 4G नहीं मिल पाया और हमने इस रिहैबिलिटेशन में एक फैसला किया है कि सरकार उनको 4G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी, यह भी हमने फैसला किया है ताकि वो टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ पाए। जहां तक ऑप्टिकल फाइबर होम की बात है, कभी अलग से विस्तार से सवाल पूछेंगे। हमारा एक भारत नेट का कार्यक्रम चलता है जिसमें हम देश के सारे 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से, उसमें काफी सफलता मिली है और हम लोग की पूरी कोशिश है कि ये भारत की जो डिजिटल दुनिया है ये मजबूत भी हो, प्रोफेशनल भी हो, कंज्यूमर्स के हित में भी हो और देश के विकास में भी आगे बढ़े। माननीय सदस्यगण, मेरे पास लंबी सूची रहती है सप्लीमेंट्री पूछने की, ये तो सदन को तय करना है। मेरा तो एक सुझाव है कि प्रश्न भी हम बहुत शॉर्ट में टू डू पॉइंट पूछें, जवाब भी उतना हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री लोगों को अलाउ कर सकें, ठीक है ना। तो